धमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों का अमरजीत धमान वालों निघा निघा स्वागत है जी। सो अज तुहानू दिखा रहे हैं आपां सैक्टर 17 चंडीगढ़ दे विच जो सैक्टर 17 की रामलीला। सो जिथे कि अज राजा जनक जी दे वल्लों सीता दा स्वंबर रचाया गया है अते धनुष तोड़िया जा रहा है। तो आओ आपां तुहानू इत्थों दी इह जानकारी दिखाउने आ। अते जो रावण ने वो भी अपना इत्थे रथ दे उत्ते आ रहे ने, वो भी तुहानू सीन दिखाउने आ। अते नाल ही नाल एक सीन तुहानू दिखावांगे परशुराम अते जो श्री रामचंद्र जी अते लक्ष्मण दे नाल उन्हां दे संवाद ने अपना परशुराम जी दे, ते वो भी तुहानू सीन दिखाउने आ। ते नाले आपां गलबात करदे आ जो परशुराम दा रोल निभा रहे ने इत्थे उन्हां दे नाल। ते आओ फिर ये जानकारी देखण लई बने रहो साडे ए धमान चैनल दे नाल। की नाम है जी अपना? मेरा नाम जी अश्विनी कुमार सबरवाल है जी। जय श्री राम। जय श्री राम। किहड़े मंच नाल तुसीं जुड़े होए हो? मैं रामलीला तौर पर श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर सैक्टर 17 चंडीगढ़ दे नाल पिछले 30 सालों तो इस रामलीला नाल जुड़िया हुआ मैं। हाँ जी। तो केड़े केड़े मतलब के रोल तुसीं हुण तक करे हो? मैं जी शुरुआत जो आदरणीय लेट श्री बख्शी साहब जो इत्थे दे डायरैक्टर सीगे उन्होंने मैनू सब तो पहलों मैनू रोल सीता स्वंबर च इक राजे दा दित्ता सीगा। मेरी एंट्री पॉइंट उहदे बेस ते होई थी। उस तो बाद मैनू जी मैं आई रावण दा कीता, भविष्यन दा कीता जी, खरदूषण दा कीता, उस तो बाद ब्रह्मा दा कीता, उस तो बाद हुण लेटेस्ट जिहड़े चल रहे मेरे ओ खेवट है जी, परशुराम है जी, विश्वामित्र है, तो शांतनु है, वाल्मीकि जी का है, तो एंड दे विच मेघनाथ मेन चलता जी। हाँ जी। की कहोगे इस मंच बारे? तुसीं इन्ने सालों तो इसे मंच दे नाल जुड़े हुए। देखो जी प्रभु की इच्छा जो नाल होवे ते एक जो बंदा एक मंच दे जुड़िया जाता जिते बड़ी भावना होवे उत्थे हमेशा बंदा जुड़े रहिंदा है। सैक्टर 17 की श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर सैक्टर 17 एक इस तरह का मंच है जिथे हर धर्म के लोग इकट्ठे होकर रामलीला करते हैं। असी बड़ा अच्छा लगता, बड़ा अच्छा प्यार मिलता एक दूसरे का। सब तो बड़ी गल ये है कि श्रद्धा भाव हरेक दे रोम रोम दे विच वसी हुई है जी, ते प्रभु दी इच्छा दे नाल, प्रभु राम दी इच्छा दे नाल हर रोल बखूबी हर आर्टिस्ट हर कलाकार अच्छा निभांदा है। और सब तो बड़ी मैं इत्थे कहना चाहूँगा साढ़े जिहड़े आर्टिस्ट है वह कोई पैसा पूसा नहीं लैंदे जी। पिछले 1.5 महीने तो असी रिहर्सल करते हैं गुलाटी भवन सैक्टर 33, तो उहदे विच अज जिहड़े 10 दिन साढ़े पूरे ये मिला के लगभग 2 महीने सानू पूरा असी प्रभु राम दे चरणां चौंकी भरदे हां असी। हाँ जी, कलाकार दे रूप दे विच। हाँ जी। सो कोई भी डायलॉग हो जाए जिस तरह तुसीं दस्सिया कि खेवट दा तुसीं रोल करदे हो, खेवट दे बहुत वधिया डायलॉग ने, कोई खेवट दे कई रोल है डायलॉग? चलो मैं छोटा जिहा सुणांदा। कोई भी सुणा दो कोई गल। कैसे लाऊं नाम नाथ सुनकर तबीयत घबराई है, इन चरणों ने श्री रघुपीर पत्थर की शिला उड़ाई है, जब शिला उड़ गई पत्थर की ये तो काट की नैया है, मार करने के पर पथित पार ये नैया एक खवैया है, यदि नैया टूट गई तो कैसे गुजर करूँ मैं, क्या बच्चे नौका से पालता हूँ, क्या भूखा प्यासा मरूंगा मैं। हाँ जी। होर केड़ा तुसी सुनाना चाहते डायलॉग सुना? कोई मेघनाथ दा जी है। हाँ। चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह बहुत चाल आएगा, जमीन तो एक तरफ चरखे को हाँ भी कांप जाएगा, मजा सेम काल हूं मैं क्या मेरी ताप लाएगा, भसम हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा, इसे तो एक ही झटके में कई चक्र में खिला दूं मैं, पाओ तो की चीज ही क्या उतनी जमीन हिला दूं मैं, काल की मैं ज्वाला हो विश्व का महासागर, वो चाल का मैं वेग हूं
प्रारब्ध का चक्र जब तक हृदय में शांति है तब तक मले हूं मैं, भर जाऊं यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूं मैं। जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम। सो तुसी ये रोल भी कर रहे हो, सो प्रोफेशनल तौर पे की कर रहे हो, ते इस तो अलावा होर तुसी केड़े अभिनय केड़े रोल किथे किथे कीते ने? मैं जी पंजाब यूनिवर्सिटी च कार्यकर्ता है, मैं 1995 च लग्या सीगा कलर्क दे तौर ते, अज मैं सुपरिटेंडेंट है एडमलॉक दे विच। ते जी कलाकार दे तौर ते मेरी जर्नी सोशल प्ले दे नाल शुरू हुई थी, जैसा समझ बाग, जंगी राम दी हवेली, थिएटर दे विच कोर्ट मार्शल, टोया, ये असी थिएटर दे विच। ते मैं एक दो फिल्मां दे विच भी काम किया है, जिस तरह ड्रीमलैंड हुणी रिलीज़ हो रही है, उहदे विच मेरा छोटा जिहा पार्ट है, वैब सीरीज़ है जी एक, असी पॉप लाइफ डार्लिंग, उहदे विच मेरा 10-15 मिनट का रोल है जी, वह भी रिलीज़ हो चुकी है फिल्म। तो बाकी प्रभु दे इच्छा ना अनुसार, प्रभु राम दे चरणा दे हुण कई साल तो हाजरी कल एज अ कलाकार दे तौर पर भर रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनावां साडे वल्लों, इस तरह ही तुसी मतलब के तरक्कियां करते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वेश है, सर झुकाओ उनके आगे, ये महाराज लंकेश है। खाक का पुतला बनाओ, डालू उसमें आत्मा, मेरे आगे सर झुकाओ, मैं हूँ परमात्मा। मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ हिलाया है, इंद्र वरुण कुबेर मेरे कानों से थर्राया है। मूसा पंडित मूसा यादा संसार में ना कोई दूजा है, अपने शीशों को साकार शंकर को मैंने पूजा है। कर लेंगे छोकरे घर हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। लंका के हम है राजा, रावण हमारा नाम, ये धनुष उठाना है मामूली काम। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। तुम्हारी मोर ने सुनाई कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। महामंत्री हम किसी अवश्य कार्य से जा रहे हैं, और याद रखना वापिस आकर इस धनुष का चीला हम नहीं चढ़ाएंगे। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। मेरे दरबार को खाकर खून में मिला दूंगा, खून टपके खून पर से, हर तरह दीवार से, आसमां को भी झुका दूंगा तीर के बार से। अगर गुरु का और भ्राता का है इधर शरीर पुनः जाता। अच्छी तरह सोच लिया करो महाराज जनक, हमारे कोई दुश्मन तो नहीं, और फिर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे तुम्हारी शान में फर्क आया हो। कहिए गुरुदेव, रघुकुल भूषण अब किस बात का इंतजार है? जाओ धनुष का चीला चढ़ाकर महाराज जनक का संताप मिटाओ, निसंदेह तुम्हारी विजय होगी और स्वयंवर की शरण तुम्हारे नाम पर ही तय होगी। परंतु गुरुदेव हम तो निमंत्रित नहीं हैं, आप तो केवल हमें स्वयंवर दिखाने लाए हैं। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं,
हम अपनी कलेसी बेटी को यूं मुरझाते हुए नहीं देख सकते। अब तो तुम्हें निमंत्रण मिल गया है राम। गुरु जी आपका बसो चशम मंजूर, अब तक जो चुप रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद हो आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। अच्छा गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। यही हो राम, हमेशा धर्म में बल है, जमाने को दिखा देना। धनुषधारी किसे कहते, दुनिया को दिखा देना। लेकर तेरा आश्रम चला न करने काज, हे ईश्वर मोरी राखियो भरी सभा में लाज। डूबने पाए न नैया देखना मझधार में, लाज रह जाए हमारी इस भरे दरबार में। श्री रामचंद्र ने धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ सांप को देखता है। हे शेष धैर्य धर के पृथ्वी को पकड़ना, कहीं पृथ्वी डोल ना जाए। पराक्रम देखा रावण से बलि रणधीर का, देखना है जोर बाकी है रघुकुल के वीर का। हो गुरु की कर दया, धनुष भी क्या माल है, हो पड़ा कितना भी फूलों की कोमल डाल है। छोड़ने लगे, वन की जीप भागने लगे, मगर आवाज इसी मंडप से आई है। ऐ जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मुनिवर आज रात कुमारी सीता का स्वयंवर है। राजकुमारी सीता जी की जय, उसके शत्रु की क्षय, सुहाग अटल सब कार्य सफल। जब तक फूलों में सुगंध रहे तब तक ये जोड़ी अमर रहे, जब तक ये चांद सितारे रहे तब तक ये जोड़ी अमर रहे। ये क्या, ये धनुष कैसे टूटा पड़ा है? शिव धनुष के टुकड़े, मेरे गुरु का अपमान, धिक्कार है धिक्कार। मूर जनक जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है?
जल्दी उसकी सूरत दिखला वरना चौपट कर डालूंगा जितनी पृथ्वी पर राज तेरा सब उल्ट पल्ट कर डालूंगा। धनुष मुझ से टूटा गुनेगार हूँ मैं सजा दो मुझे कि सजावार हूँ मैं। महाराज शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वह कब किससे डर सकता है जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। हे राम सेवक वही है जिसका सेवा पर दिल है जो वही जैसा काम करे वो काट डालने काबल है। हे राम हुआ है अगवा तू शत्रु कुल की गाड़ी में इसलिए वसल वो याद आई चिंता है चोर की दाढ़ी में। सच है सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है जो ज्यादा मीठा होता है खुद अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेला जाता है भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्यों चढ़ आया है वो सबसे पहले बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही ये जहर हम ही ने निचोड़ा है जो करना है सब करे आप शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। और राजा के लड़के तू मुंह को नहीं संभालता है मुझ जैसी क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकालता है। मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी मोड़ी हूँ। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो इसलिए मुझे ये कहना है तुम्हें नहीं शोभा देता जो क्रोध का जेवर पहना है ये कहना है राजपूतों का जो पहला जाता है रहने अपराध क्षमा हो निवर शांति चाहिए एक ब्राह्मण में। वो शर्त तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है क्या न्योता धारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मैं न्योता खाने वाला नहीं बहुत ही विकराल हूँ मैं तो तुम जैसे मूर्खों की हर क्षत्रिय कुल का काल हूँ मैं। बनते हैं यदि आप ही रा तो सुनिए मैं भी कुंदन हूँ कहलाते हो तुम परशुराम तो मैं भी सुमित्रा नंदन हूँ। हार गया यदि युद्ध में तो सुमित्रा नंदन मैं कहलाऊंगा अन्यथा सभी का बदला दे जब लोग तुझे पहुंचाऊंगा। मेरे इस खूनी पसा ने सौनक की रदियां बहा दी है कई बार आर्या भूमि पर की सितारानियां हार बना दी है। अब भी चुके इसकी कहा हथियार आपका खिजा में है मन से मेरा काट कहा तो काट आपकी सभा में है। क्यों बूढ़ा पसा दिखला कर इस क्षत्रिय जवा को डरा रहे बलिहारी आप तो फूंक से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। और ये मन्नी सी जुबान पर्वत सी बातें करती है अफसोस दूध वाले मुख से जहरीली धारा निकलती है। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बलगा जाए डरता हूँ आपकी अग्नि में कहीं और रुपान ना जाए। नालायक लड़के होश में आ क्यों मुझसे लड़कर मरता है मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है। श्री महाराज हम लड़के हैं लड़के ही लड़कपन करते हैं तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। शर्म कर का धनुष तोड़ करके करता गुमान योद्धापन का अरे रानियों की गोद में खेला मुंह देखा नहीं अभी रंग का। रानियों के पले चल के पाले पड़ते हैं यदि शेर भी आए लड़ने को उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। ये गोरा गोरा शरीर तेरा बस पल भर में देर है पृथ्वी पर तुझे लटा दूंगा परसा चलने की देर है। जो परसा दिखाकर बार बार मुझको डराने आए हैं क्या काल आपका वाहन है जो उसे भी साथ में लाए हैं। अब रहा जो गुरु कार्य मैं उस पर चुका दूंगा ले आए आप महाजन को मैं गाड़ी गाड़ी भुगता दूंगा। सभा वालों
उसे मेरे सामने से हटा लो, फिर मुझे दोषी ना ठहराना, इसके टुकड़े टुकड़े ना कर दूं तो परशुराम नाम नहीं, इसे मान अपमान का कुछ भी ध्यान नहीं, ये बालक का कुछ घड़ियों का मेहमान है। स्वामी, बच्चों की बातों का विद्वान बुरा ना मानते हैं, इनके मुख में तो गंगा है, ये बुरा भला क्या जानते हैं, विप्रों की नाई तुम आते तो प्रभु संहिता लाते, वीरों का वेश देखकर ही इसने की ऐसी बातें, ये बच्चा नहीं जहर की बेल है, इसने समझ रखा मुझे खेल है, किया है गुना गुनेगार हूँ, सजा दीजिए मुझे सजावार हूँ। हे राम, तूने धनुष तोड़ा है, सचमुच तू अपराधी है, अपराधी के वास्ते मेरी परसे की धार है, फिर वही वाणी, अब रहा ना चाहता मौन, अपराधी रघुराज है ये कह सकता है कौन, ये धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ, कब्जे में था मिथिलेश्वर के, इसलिए हक उनका बड़ा हुआ, जिसका हक था उसने अपने सामने ही तोड़वा डाला, अब कहिए जनाब होते हैं कौन, जो करते हैं गड़बड़ छाला, क्या मरे हुए स्थनुआ पर स्वामी जी होने आए हैं, या देख क्षत्रियों का समान यूं ही सर होने आए हैं। ओ सिद्धि छोकर, बहुत कर चुका काट, अब परसा उतारेगा तुझे मौत के घाट, दोष गिनो न बालक का, लक्ष्मण है नादान, बाल बुद्धि चंचल है, स्वामी आप तो है विद्वान, वो देखो मुझे फिर दान दिखा रहा है, शरारत से अभी बाल नहीं आ रहा है, वह कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें उस पर नहर भ्रम हो गया, ऐसे को संग में रखते हो जो समुंदर में आग लगाता है, कह दो हट जाए यहाँ से, मुझको नहीं सुहाता है, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मुंगे चले जाओ, तबीयत ज्यादा घबराती है तो दिल पे हाथ मले जाओ, जब बिना बुलाए आए थे तो बिना कहे जा सकते हो, यदि ने है इन त्रिश के टुकड़ों का तो इन्हें भी ले जा सकते हो, धिक्कार है ऐसे पशु पर जो तीनों ने संघार किया, किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तुझ पर न प्रहार किया, अपने दासों का खून पी ये ता भला कब पैसे की, हे नाथ हमारी गर्दन तो है छाया में आपके पैसे की, यदि इसे काट भी डालोगे तो क्या गम है, अनुरागी है, इन चरणों में जो झुके सदा वह शरीर बड़ा भूभागी है, यह दया ब्राह्मणों की ही है कि सीता से नाता जोड़ा है, यह दया ब्राह्मणों की ही है कि धनुष राम ने तोड़ा है, हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारी इस भ्राता को जलती मेरी छाती है, देखना समझना सावधान, कहीं मूर्त होकर न रह जाना, कहीं ऐसा न हो कैसी जगह पर मंदिर हो आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ नहीं लाए हैं, अपराध क्षमा हो मुनिवर ये हार भेंट कर सकते हैं, वो तो है नरम गरम है, ये क्या कुटल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र जी देखते हो चालाकी अपने चालों की, मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है, मेरे ही नाम का पिछला पर तू अपना नाम बतलाता है, दो राम नहीं रह सकते हैं, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा अन्यथा जगत को न धोखा दे, बदल दे अपना नाम अभी, अफसोस खिजाहत तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, वो नाम है एक ब्राह्मण का, क्षत्रिय का नाम क्यों है, मुनिराज वर्णमाला से यह अक्षर निकलवाइएगा, यदि क्रोध है राम नाम पर तो भाषा पर पसा चलाइएगा, हे स्वामी आप में और मुझ में देखो कितना अंतर है, मस्तक है पुरुष राम और राम नाम चरणों में है, मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए
किसका नाम बड़ा वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। है बाण आहुति नाम मेरा, धनुष सर्वस्व कहलाता है, क्रोध है अगन समंदर मेरा, कोई इसमें चलना चाहता है। इस तेज धार के पसे ने बहु नरपति पशु कर डाले हैं, सुनाया उनको पृथ्वी पर कर दिए काल हवाले हैं। तारीफ नहीं अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम, फिर चाहे वह कोई भी हो उससे दो दो हाथ करें, यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें। कहिए बतलाएं वो क्या है जिसका हमको अब डर है, मुनिवर जरा नीचे को देखें वो इन चरणों की ठोकर है। ये क्या हुआ मुझको, क्यों कौन आगे बढ़ता है, पैसा पहाड़ हो गया जो उठाए नहीं उठता है। परशुराम परशुराम, तुम्हारा पैसा किसी अवतार पर नहीं उठ सकेगा। अवतार पर नहीं उठ सकेगा? मेरा भ्रम दूर करने के लिए मेरे इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर दिखाइए। लाइए महाराज। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया, निश्चय हुआ कि राम का अवतार हो गया। असुरों के लिए अवतार हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो गई, नर होकर भी नरवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो गई, हम भगत हैं भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होगी। मेरा संदेह मिट गया प्रभु, अब धनुष से तीर उतार लीजिए। परंतु मेरा तीर जब धनुष पर चढ़ जाता है तो खाली नहीं जाता। अर्थात? अर्थात बोले ना बनिए मुनिवर, श्री राम जी का तीर कमान चढ़ने के बाद किसी न किसी दुष्ट की जान अवश्य ही लेता है। अब ये किसकी जान लेगा? केवल आपकी। नहीं नहीं अवर बिहारी, दया करो, करके दया बचा लो। तुम मुझको अवर बिहारी आंखों से देख ली है सारी कला तुम्हारी, इसमें नहीं संदेह, तुम हो विष्णु चक्करधारी, इस बाण से जला दो क्रोध की अग्नि हमारी। आप ये क्या कर रहे हैं मुनिवर, हम तो आपके दास हैं, चरण तो हमें आपके पकड़ने चाहिए। धन्य हो राम धन्य हो, मेरा काम आज से समाप्त हो गया, मैं अपने कंधों का भार तुम्हें सौंपता हूँ। पृथ्वी पर आकाश, आकाश पे चांद सितारे रहे तब तक हे राम तुम्हारा नाम सारी दुनिया में अमर रहे। मुनिवर शुभ अवसर पर आए हैं तो वरुण वधु को भी आशीर्वाद देते जाइए। आओ बेटी सीता, जब तक भगवान शंकर की जटाओं में गंगा की धार रम रही है, लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही है, तब तक ये बांगपन बना रहे, जब तक चांद में चांदनी है तब तक ये जोड़ी अमर रहे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय।